गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 20 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम किशन शाह है। हम एपी के पिछले 20 साल के आए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक हम 40 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाना, उनको जाके देखिए। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए, डिटरमाइन द एपी एंड द एनएफ टर्म। ध्यान रखना, देखो अब जो मैं लाइन बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जब भी हमें एसएन दिया हो, क्या क्या है, जब भी हमें एसएन गिवन हो, ये एसएन दिया हुआ है और हमसे एएन पूछ रहा हो, एसएन दिया हो एएन पूछ रहा हो, तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एएन इक्वल टू एसएन एक ब्रैकेट में माइनस एसएन माइनस वन। मतलब एसएन तो हमें पता ही रहा, एस एन माइनस वन कैसे निकलेगा, जहां यहां पे इसमें एस एन में एन दिया है उसकी जगह एन माइनस वन लिख लो, तो एस एन माइनस वन इक्वल टू कैसे निकलेगा थ्री, और एन की जगह क्या लिखना है एन माइनस वन, तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू एन माइनस वन। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, थ्री एस सी रहा, इसको सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और इधर से करेंगे तो फोर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एन माइनस फोर। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री टू या सिक्स एन प्लस फोर एन माइनस फोर, ये क्या आ जाएगा गया हमारा एस एन माइनस वन, और ये भी एस एन माइनस वन, तो यहां से कितना जाएगा एस एन माइनस वन इक्वल टू, देखो थ्री एन स्क्वायर अकेला रहा तो थ्री एन स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब देखो थ्री में माइनस सिक्स एन में से फोर एन गए तो माइनस का 2n, और माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 1, ये क्या आ गया हमारा sn माइनस 1। यहां तक समझ में आया, अब आगे देखो क्या करना है, ध्यान देना। अब हमें क्या निकालना, an, तो an निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, तो an इक्वल टू, अब sn, sn तो निकल चुका मेरा, sn गिवन है, तो ये रहा 3n स्क्वायर प्लस 4n एक ब्रैकेट में माइनस sn माइनस 1 कितना है e, 3n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस का 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो an कितना आ जाएगा, यहां से 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2n और फिर ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो देखो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर गया तो an कितना आ गया मेरे पास 4 और 2 6n और प्लस का 1, ये आ गया मेरा an। अब an आ गया तो हमसे ap पूछ रहा है, तो देखो an जब बताओ तो ap निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये तो और आसान चीज है। ap कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, यहां पे an की जगह ये an दिया हुआ है हमें, an कितना आ गया, an अपना 6n प्लस 1 ये आ गया। अब हमें ap निकालनी है तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में पुटिंग n इक्वल टू 1, तो यहां से कितना आ जाएगा a1 इक्वल टू 6 * 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। अब सेकंड केस के लिए क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 2, तो यहां से क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये 6 टू 12 प्लस 1 मतलब 13। और तीसरी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा a3 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 1, so that 63 या 18 plus 1 मतलब कितना आ गया 19, तो AP बन गई मेरी। AP क्या बनी देखो, यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं, मेरी AP क्या बनी 77 30 19 इसी तरीके से आगे, ये है मेरी AP बन गई। क्लियर है यहां तक, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो कुछ था नहीं, लेकिन ये क्या है कि जो मैंने पहले बताया कि हमें SN से AN कैसे निकालना है तो होता है, ये आपने सीख लिया होगा, और AN जब निकल जाए तो उससे AP कैसे बनाते हैं ये भी आपने सीख लिया होगा। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले मैं एपी के अब तक 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, चैनल को खोलना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसको सारे क्वेश्चन जाके देखो, सारे आपके बोर्ड के हिसाब से मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।